ये चाचा गेहूं उगाते हैं लेकिन खाने के लिए नहीं बल्कि रंगने के लिए। रास्ते में खड़ी घास जो हमारे लिए कबाड़ है वो इनके लिए सोने से कम नहीं। रंगों में डुबाकर हवा में उड़ाकर धूप में सुखाते ही होता है कमाल का जादू। हरा गेहूं कब लाल नीला पीला हो जाता है पता ही नहीं चलता। चलिए देखते हैं इस वीडियो में। अंकल जी नमस्कार। हाँ बोलिए बाबू। क्या नाम है आपका? निमय मुखर्जी। गेहूं पकने के बाद करते हैं। आप हरे काट रहे हैं? क्यों काट रहे हैं? इसको आपको ये कमाल का चीज बनता है। चलिए एक बार दिखाइए कैसे बनते हैं। ठीक है देख लगा। चलिए काट लिए। हाँ। काटने के बाद क्या करते हैं? पहले सुखाते हैं। इसको सुखाते हो? सुखाते हैं। कितने दिनों तक? पाँच छह दिन सुखाते हैं। पाँच छह दिन। हाँ। इसका बाद ऐसा होता है, सुखाने के बाद ऐसा थोड़ा सा इसमें ये हरापन चला जाता है और सुनहरापन इसमें आ जाता है। उपवास करने के बाद ऐसा हो जाता है। सुखने के बाद होता है और फिर वॉश के बाद ये वॉश के बाद ऐसा हो जाता है, साफ हो जाता है पूरा। अच्छा सर ये तो गेहूं आ गया हमारे पास है ये सूखने के वॉश होने के बाद। हाँ, ऐसे ही ये एक पत्ता है पत्ता। इसके ये ऊपर वाले हिस्से ये कटिंग कर लोगे या ऐसे ही रखोगे? कटिंग होता है। कटिंग होती है। हाँ, हाँ, अच्छा एक शेप देनी पड़ती है। हाँ, शेप देना पड़ता आपको है। कर देना। हाँ, हाँ, चलिए इसकी कटिंग हो जाती है। अच्छा ये कटिंग होने के बाद ये कटिंग आ जाता है। कैसे किया जाता है इसमें? कलर बोले तो ये जो कलर का जो टैंग है ना, टैंक के अंदर ऐसे करके गर्म पानी का अंदर तो ये कलर देना पड़ता है। जो कलर होगा वो कलर डालना पड़ता है। 10-20 मिनट रंगना पड़ेगा। रंगने के बाद वो कलर आ जाएगा। परमानेंट रहता है कलर? हाँ हाँ परमानेंट रहता है। हाँ हाँ ये देखो आ रहा है कलर है तो 5-10 मिनट रंगना पड़ेगा। पड़ने के बाद बहुत अच्छा हो जाएगा कलर। लगातार ऐसे ही करते रहना। हाँ 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 हाँ। अच्छा ये मान के चलिए आपने 10-15 मिनट ये आपने रंग कर दिया। हाँ हाँ। अभी लेकिन रंग में देख पा रहा हूँ थोड़ा सा कम दिख रहा है मुझे। ये सूखने के बाद रंग अलग हो जाएगा, डीप हो जाएगा रंग। अच्छा जैसे जैसे ज्यादा सूखेगा चढ़ता चला जाएगा। हाँ हाँ हाँ। ओके और इधर की तरफ आप देख सकते हैं इन्होंने ये चीजें जो है सुखा रखी है। हाँ हाँ। अच्छा ये आपने धूप में सुखाने के लिए रख दिया। हाँ हाँ। कितने देर तक या कितने दिन तक इसको सुखा? एक दिन लगता है पूरा एक दिन। हाँ हाँ। धूप अच्छा होगा तो एक दिन नहीं तो दो दिन। तो इसके ऊपर जो रंग है वो धीरे धीरे डार्क होता चला जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल हाँ हाँ। डार्क हो जाएगा। ये थोड़ा सा रंग भी बल्कि अलग है, ये लाल है ना? हाँ हाँ ये लाल है, प्रोजी टाइप था। हाँ हाँ। और ये देखिए फिर कलर जो है ये पूरा डार्क इस तरीके से दिखने लगता। हाँ है। हाँ। अगर पीला हो तो ऐसा ऐसा। इसके बाद फिर किस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाता है? प्लास्टिक पीपी होता है। हाँ। पीपी होने के बाद ये तो पूरा रेडी हो जाता है। अच्छा ये क्या आपके हाथ में? ये सोला है। सोला का एक पेड़ होता है। सोला का लकड़ी है ये भी यानी? हाँ हाँ। देखे तो ऐसे पत्ता सा या मतलब एक पेपर की तरह लग रहा है, फाइबर की तरह लग रहा है लेकिन ये पेपर नहीं है। और सोला का लेयर उतरने के बाद अंदर का चीज है, इससे हम फ्लावर बनाते हैं। ओके किस तरीके से? अच्छा यहाँ पे इसके डिजाइन के अकॉर्डिंग जो है एक एक फूल की पत्तियों की कटिंग की जाती है। हाँ हाँ है ना, उसको जो भी साइज या जो भी डिजाइन हमें बनाना होता है अलग अलग, फिर कटिंग करके उसको ऐसे स्टिक के अंदर एक एक को बांधना होता है धागे से। हाँ हाँ हाँ। ओके और ये देख सकते हैं किस तरीके से अपना एक एक पत्ती को ये लगाते हैं, धागा लपेटते हैं, घुमाते हैं और करते 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 इस तरीके से फूल तैयार हो जाता है। फूल तैयार हो जाता है। ओके इससे इस वाली लकड़ी से कितने तरह के प्रोडक्ट बनते हैं? बहुत सारा 20-30। चलिए दिखाइए कौन कौन से एक बार। आ जाइए। अच्छा ये सभी इसी से बनते हैं? ओके और ये जिसको कलर करना होता है उसको कलर कर देते हैं, वही प्रोसेसर रंग भरने का। अच्छा सुखेन भाई आप किन किन पौधों का इस्तेमाल करते हैं और प्रोडक्ट बनाने के लिए? बहुत सारा होता है, पत्ता है होता है, घास का 3-4 आइटम है। ये देखो ये मोती वाला जो। हाँ। इसका किस तरीके से इस्तेमाल करते हो? ये देखो ये वाला सब तोड़ना पड़ता है ऐसे करके, ऐसे मतलब इसके ऊपर। हाँ, हाँ, जो ये मोती होता है मोती उसको आप तोड़ लेते हो? हाँ हाँ हाँ। ये वाला जो ये माथा के ऊपर देखो एक ये चीज है ना। हाँ, हाँ, हाँ। ये वाला ये उतरना पड़ेगा ऐसे करके, मोती रखना पड़ेगा। हाँ, सिर्फ मोती रखना पड़ेगा ऐसा करके 2 या 3 दिन सूखने के बाद फूल बनता है। 6 दिन के बाद हरा रंग ये ऐसा बदल जाता है, ऐसे बदल जाता है। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से एक एक मोती को जो अच्छा वाला होता है उसको ये छांटा जाता है। यहाँ पे सॉर्टिंग की जाती है। सॉर्टिंग करके 5, 6, 7, 8 जितने भी इनको करने होते हैं उसको एक गुच्छा बनाया जाता है। फिर इन भाई साहब के पास पहुंचता है। ये भाई साहब इस पौधे में इस स्टिक के अंदर इसको बांधते हैं और बांध के ये इस तरीके से बना देते हैं। इसके बाद इस पे कलर किया जाता है गोल्डन कलर, गोल्डन या लाल कोई भी कर सकते हैं ना, गोल्डन हरा पीला कोई भी जो रंग इनको चाहिए वो इस पे रंग चढ़ाया जाता है। और फिर देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत नजर आता है। अच्छा यहाँ पे जितने भी ये प्रोडक्ट मैं देख पा रहा हूँ सारे जो लगा हुआ, यहाँ पे कोई प्लास्टिक पन्नी कोई इस तरह का नहीं है, सब नेचुरल चीज से, सारी नेचुरल चीजों से बनी हुई है। ओके जैसे ये माला सी लग रही है मेरे को, ये भी वही नेचुरल से बनी हुई है। इसके अलावा जैसे ये इधर की तरफ लोटस वो चीज से बना हुआ है, 16 चीज से। ओके ये भी वो उसी का ही फूल है। अच्छा ये क्या है? ये उससे बांस के किससे? बैम्बू से। बैम्बू स्टिक। अच्छा ये जो अलग अलग कलर के रखे हुए हैं इन पे आप रंग चढ़ा? हाँ, रंग चढ़ाया। बहुत बढ़िया। हाँ, हाँ, कितने तरह के फूल होंगे आपके पास? 15-20 आइटम हो जाएगा और कम से कम। चलिए अब आप थोड़ा सा बताइए किस तरीके से आपसे जो है संपर्क किया जा सकता है, कहाँ आपकी दुकान है, एड्रेस पहले बताइए अपना। मेरा है वेस्ट बंगाल कोलकाता में, दक्षिण 12। मेरा नंबर बोलिए 9679 08
5115 मुखर्जी ड्रायर फ्लावर ड्राई फ्लावर। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।